अरे थप्पड़ तो तुझे पड़ना ही था है? मतलब शादी कर रहा है और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया? बताइए ये कोई बात होती है? ये मेरे दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं। भला दोस्तों को भी कोई इनवाइट करता है? अरे दोस्तों बस यूं ही धमक पड़ते हैं, राइट? लंबा सफर करके आए हो बेटा, थक गए होगे। अरे माला जी, भैया जी, इनको इनका रूम दिखा दो, आप लोग जाओ रेस्ट करो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? सिड तू भी जा बेटा इनके साथ, चल। कुछ नहीं हुआ, ढोल बजाओ ना भैया, कुछ नहीं हुआ। भैया गांव में किसान की वीडियो बताया कहते हैं किसान जैम। हमारा कमरा किधर है? वाह बेटा, बड़ी रही थी आ गई है। अब तुझे भी कमरा चाहिए? चुप करके ऊपर गिरधर के साथ सो जाइयो। छोटू इसे बोल दे कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम होटल भी जा सकते हैं। भैया यार इस टाइम यहाँ पे इस गांव में कहाँ होटल मिलेगा, किस बातें करते हो यार? ओह हेलो आंटी, हाय। अच्छा मैं इस रूम में चला जाऊँ? हाँ पर दरअसल इस कमरे में बेड नहीं है। तो क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही कहीं भी सो जाता हूँ। तो ठीक है मैं बिस्तर लगवा देती हूँ। हाँ जी। राहुल बेटा। आंटी मेरा नाम रोहित है। सॉरी। इट्स ओके। रोहित बेटा आप सिड के? नहीं नहीं आंटी, वो तो दूल्हा है, ही नीड्स हिज प्राइवेसी। मैं वो वाला कमरा ले लूँ क्या? हाँ कोई नहीं, तुझे उस रूम में रह जाओ, जय का ही कमरा है वो सिड के मासी का बेटा, शादी में काम में मदद करने के लिए आया है ना, पास वाले गांव में गया, मैं उसे बोल दूंगी। ओके आंटी ठीक है। ए छोटू चल मेरा सा सामान वो रूम में रख दे। आंटी कैन आई गेट सम टोमेटोज, एक्चुअली ट्रैवल करके मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है, आई एम फीलिंग पैथेटिक। हाँ कोई नहीं मैं अभी भिजवाती हूँ। सो लवली शी इज, नो शी सो लवली, नाइस। देखा कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, प्यार से एक हाय तक नहीं बोली इसने तो, मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गया। लेट्स गो फ्रॉम यहाँ। ए भैया आते ही आपने भी तो खामे का सबके सामने चटपट तेल दिया, वरना आपकी चाल ढाल का कुछ करना पड़ेगा। हेलो व्हाट चाल ढाल? यही कह रहा हूँ मैं, भैया आप खुद तो पिटोगे साथ में मुझे भी जूते पड़वाओगे। प्लीज हाँ मैं नॉर्मली ही बात करता हूँ, समझ गया? छोटू मुझे कुछ खाने को ला, गाँव में लोग खाना नहीं खाते क्या? सो हंग्री। चल आते ही किचन में घुस जाए क्या? तेरे को लाया किसके लिए था मैं? यार पागल मोटी सा। धीरे बेटा धीरे, अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए खाना, इसीलिए सब जम गया है। ओ हाँ अंकल मेरे पापा भी यही कहते हैं। या हाथ और गर्दन क्या हुआ उनको? खाना तो दांतों से चबाते हैं, गर्दन और हाथ? अरे नहीं नहीं अंकल, वही तो दूसरे ट्रैवल करके आए ना, तो हाथ और गर्दन में थोड़ा थकान हो गई। ओ ट्रैवल फटीग। Travel fatigue is a general fatigue, disorientation and headache caused by a disruption in routine and time spent in a cramped space with little chance to move around. Simple, खाओ। अंकल जी, सीट भैया बिल्कुल आप पर ही गए।
हाँ बिल्कुल है ना आंटी, दे आर टोटली द सेम. अरे आंटी आप तो कुछ बोलती ही नहीं. जितना जरूरी हो मैं उतना ही बोलती हूँ. और जो ये बोल दें वो पत्थर की लकीर. हाउ क्यूट, आई मीन हाउ स्वीट. अच्छा ये बताओ बेटा तुम करते क्या हो? ओह आई एम अ फैशन फोटोग्राफर. ओह अरे वाह भाई जी, फिर वो सोनू फोटो वाले को मना कर देते हैं ना. रोहित खींचेगा अपने चंगे फोटो. हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए. खींचो. और बेटा तुम क्या करते हो? भाई जी ये तो एक्टर हैं, इन्हें तो सीरियल आता है ना प्यार की लगन. तभी मैं सोचूं मुन्ने ने कितने देखा है टीवी में आता है की नाम ओबेराय. अक्षय ओबेराय. अच्छा हो मेरा है. अरे पुत्र एक काम कर, मुंडे नु ना दाल में खूब सारी घी डाल. हाँ आंटी और दूध भी दे दो इसको, उसको वो ज्यादा पसंद. अच्छा चल दूध दे दे. अरे हीरो है ना अपना. खा लो खाना अपना. चाचा जी ने बोला था कि आप ऊपर हो, मैं इसीलिए ऊपर आ गया. आपकी नींद ना खराब हो जाए दबे पांव आ गया. तुम क्या नंगे सोते हो? हाँ इसमें क्या है, सामान तो दोनों के पास बराबर का ही है ना. साइज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. बस बस सो जाओ चुपचाप. सो गया क्या? अच्छा बड़ी नींद आ रही है तुझे, चल मेरी दवाई लेके नीचे आ भी. ए मेरा डब्बा कहाँ पर है? पैक करना भूल गए. अच्छा टीवी देख रहा होगा तू, वो तो कभी नहीं भूलता तू. अच्छा चलिए बता बाथरूम कहाँ पर है? गांव में बाथरूम नहीं होते हैं, खेत में जाना पड़ता है. Are you kidding? ना. पहले ही बोला था इस पागल को होटल में ले चलने को, पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे ले रहे हैं. चल भी तू ठीक से. अरे आराम से चलना पागल. अरे चल तो रहे. खाएगा कभी रात को. Suffocating here, yeah. Chottu, सो गया क्या? पहली बार हमसे इतने प्यार से बात किए हैं. बोलिए. यहाँ पे सांप तो नहीं है ना? हमारा खेत होता तो हम बता सकते थे, वहाँ के सांप हमारे उंगली पे गिने हुए हैं. यहाँ की गारंटी नहीं ले सकते. हो भी सकते हैं, झूठ क्यों बोले आपसे? भैया आप ठीक है?
गुड मॉर्निंग बेटा, अर्ली राइजर हाँ, बहुत अच्छी आदत है। अरे इतना पसीना पसीना हो रहे हो, कोई रनिंग शनिंग करके आए हो क्या? नहीं तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो फॉर अ रन, उठो। चलो चलो चलो, कम ऑन यंग मैन, और तेज। वादा किया तेरे अंकल ने सिड की शादी से पहले तेरे एब्स आ जाने हैं, चलो शाबाश। भाई जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल रात खेत में सुअर घुस आए थे, दो गोलियां दागी मैंने, एक तो लगी हो। अरे तीन दाग देता, तीनों की तीनों लगती तो मानता, साले सुअर अपना खेत समझ के आ जाते हैं। छोटू एक ही हैगा देख फैशन। आपने क्या पता दादी? मैंने नहीं पता है। वाह बेटे, यहाँ आते तेरी सही ऐश्वर्या है, कितनी आराम से बैठा नहीं है। क्या भैया बुलबुल तो नहीं गए तुझे? अरे वो क्या भूलेंगे, कल रात के थके हुए हैं। अच्छा दादी, जो शिरबिया के जो मोटे वाले दोस्त हैं ना, उनको ताऊ जी मैदान में दौड़ा रहे, मैं भी जा रहा हूँ। अरे रब्बा, ओ ऐसे ही करता हैगा। कम ऑन, चलो चलो एनर्जी से चलो, देखो मेरी तरफ जोर से, कम ऑन शाबाश। अरे डोंट गिव अप, करो चलो करो चलो, और जोर से, डू इट प्रॉपरली। पापा क्या कर रहे हो आप ये? अरे यार एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फिट कैसे होगा लौंडा? फिट नहीं होगा, ऐसे साफ हो जाएगा। अरे ये टायर कैसे निकलेंगे इसके? अरे आप छोड़ो, आप छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई आप छोड़ो पापा, बाद में कर लेगा। चलो तुम चलो यहाँ से, तुम चलो। सुशांत स्टॉप इट यार, स्टॉप इट यार सुशांत, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दैट गाय वाज अ जर्क। Sid, Sid. Yeah, he was so irritating. But you'll find someone good. Okay, trust me, you will. Really? Yeah, really. You'll find somebody good. Just chill. Okay. But where? There are no men left on earth. I don't think I'll find anyone. Listen, just stop it, yeah. Just stop being so over the top. Wait, I'm going to show you this. See this app? It's called Blued. It's really nice. It's a very good app. Yeah. And I'm sure you'll find someone. But make sure that you'll put a nice DP here. Yeah. Okay? Yeah. He's really good, yeah? My God. Hey, he's right here. You know, I think I should... Sid, I was just showing... Sid! अंत और आरंभ जुड़वा होते हैं, एक के आगाज में दूसरे का अंजाम है, इसीलिए कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक के अंत में दूसरे की शुरुआत है। ये कैसा अनोखा नियम है ब्रह्मांड का, क्या कोई इसे तोड़ सकता है? ये तुमने लिखा है? जी। बहुत अच्छा है। हाय मायसेल्फ सुरेश। भक्ति नाम भी बहुत अच्छा है। देखिए आप यहां से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते, मैं किन्नर हूं। तो क्या हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे अपनी और पोएम सुनाओगी? जाओ नहा लो। यहां बाहर? मैं बाहर नहीं नहा सकता। बाहर? बाहर क्यों नहाओगे, बाथरूम में जाके नहाओ।
क्या बात है पलक, यहाँ क्यों बुलाया? सिद्धार्थ जी, आप इस शादी से खुश तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो आप अचानक से यहाँ आए और पापा ने शादी की बात कर दी। मैं जानती हूँ कि आप राजी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है पलक, तुम अच्छी लड़की हो और मैं खुश हूँ। पक्का? और कोई बात होगी तो मुझे बताएंगे ना? जरूर बताऊंगा। सिट बेटा। जी पापा। अपने दोस्तों को गाओ दिखा लाओ। आया। आप जाइए। इसमें जाएंगे क्या? हाँ, क्यों? No ways, इसमें तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। छोटू, छोटू। भैया हम यहाँ हैं। चल मेरे साथ। आप लोग चलिए ना, हमें थोड़ा काम है। अच्छा, तुझे बड़ा काम है, टीवी देखना होगा तुझे और क्या? अब चलें। सुरेश, तुम मुझे अपना हाथ दो। यार, आओ। मम्मी। अरे बन के आई हो? Shut up. I'm on a boycott. काली बिल्ली। कर्मयोगा ले लीजिए दादी, गर्मा गर्म दाल चावल। दाल चावल तो ऐसे कह रहा है जैसे कि मुझे मटन चपातियां परोस रहा है। अरे तो जो बनेगा वही लाएंगे ना, कहो तो मटन बना दे। कुत्ता धीरे बोल, ये घर ना शुद्ध शाकाहारी हैगा, घास फूस खाते हैं इत्थे। अच्छा, तो आपके मन में कैसा आया? आप मटन खाती है ना? किसी से बोली ना पुत्र, जब मैं छोटी थी ना, खेत बीच बैठ के चुपके चुपके चोरी चोरी खाती थी। हाय रब्बा, अभी तक वो टेस्ट ना हैगा जीव बीच। बस एक इच्छा है, एक बार और खेत बीच बैठ के चोरी चोरी मटन खाऊं। बस इतनी सी बात? चलिए, आपकी इच्छा हम पूरी कर देते हैं। हम बनाएंगे मटन, फिर जाके खाएंगे खेत में। सच? अरे हमारे अम्मा की कसम। अभी आप ये फटाफट दाल चावल खत्म कीजिए, हम प्लान बनाते हैं। ये खाना पड़ेगा? हाँ। हाय मेरा छोटू। भैया वो मैं थोड़ा खेत वेत दिखाता हूँ, ठीक है? अरे भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन सिद, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हारी शादी हो रही है। नाइस नो? क्या कर रहे हो तुम ये सब? मजाक लग रही है तुम्हें? तुमने कभी सोचने की कोशिश की है कि इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम पड़ेगी? What do you think you're doing? And what do you want to achieve? Have you ever thought what people will think? What about my relatives? My friends? और इन गांव वालों को क्या बोलोगे जाके? What about my mom and dad? And what about my family? God damn it! What about me? What about me, Sid? Tell me, what about me? अभी तो तुम इतना चला रहे थे,
What about our relationship? Do you even realize? How do I feel? No, don't touch me. Don't touch me. You know how does it feel when everyone around you is just looking at you with one question? Now what? Now what, Rohit? You have a family and I don't. Mere mummy papa nahi hai. Suddenly every decision that I've made has a question to it. Be it stay with you or be it love you. You know, Sid, if we would have fallen out of love, no, I would have still accepted it. But tumne kya kiya? Huh? Sirf phone karke mujhe bol diya that it's all over. Take care, bye. It's all wrong. What is wrong? Tell me, kya galat hai? The 4 years that we spent together with each other, are they wrong? The love that I shared with you, is that wrong? Sharad, just leave me. Remember one thing, Sid. That love can never be wrong. If it's between a man and woman, or between two men. Love is love. It's a feeling, no? It's a feeling, right? I was counting on you. You were my biggest strength. You hurt me very badly, Sid. Don't talk to me. पर तुम्हारी दादी इतनी स्वीट है. I'm sure if you tell her that you cannot get married now, वो समझ जाएगी. She'll understand. पर मॉम नहीं मानेगी. जब से आया हूँ जोर दे रही है शादी कर शादी कर. और वैसे भी घर के सारे डिसीजन मॉम ही लेती है. तुम कुछ भी बोल के यहाँ से निकल पड़ो. Let's just get out of here, यार. और फिर क्या? फिर कुछ महीने बाद दोबारा शादी कर शादी कर. रोहित मुझे लगता है कि बिल्कुल सही टाइम है. अगर अभी नहीं किया तो कभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाऊंगा. And I don't think वापस जाना कोई भी सलूशन है. We are together and we have to do this together. और वैसे भी तुम अब गांव आए हुए हो तो साथ ही कर देंगे. Sid, हम दिल्ली जाके उनको नहीं मना सकते क्या? जरूरी है कि हमें गांव में ही रहना पड़ेगा. क्यों? तुम्हारी फटरी है गांव में? No, it's a bed of roses here. मैं पहले क्यों नहीं आया गांव? अच्छा रोहित, तुम किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट मत करना. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. देखो, अगर मेरी वजह से तुम्हें या फिर मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम आई, आई वोंट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ. डोंट वरी सिड, सब ठीक होगा. सिड, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो सकता हूँ क्या? अच्छा, उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड दिया था. अरे तुम्हारा भाई नंगा सोता है पता है, खराटे भी मारता है तुमसे भी ज्यादा. Now have patience.